Hello viewers, how to read a file in C++ and count a given number in a file. आपको एक डेटा फाइल दी गई है, क्या दिया गया है वो हम दिखा देते हैं आपको. नंबर डॉट पैड, हमें दिया गया है डेटा, ये दिया गया हुआ है नंबर 4515. इस डेटा को मान लीजिए दिया गया है, तो इसको आपको सेव कर लेना है. फाइल सेव एज, बिन में सेव करेंगे. कैसे सेव करेंगे? नंबर डॉट डेट और सेव करेंगे. यस, अब ये फाइल हमारी डेटा फाइल बन गई जो हमको सी में पढ़नी है. अभी क्योंकि हमने कोई भी कमांड नहीं बताया कि फाइल में कैसे राइट करते हैं, इसलिए डेटा हम नोटपैड में बना ले रहे हैं. अब डेटा जब बन गया तो हमको अब प्रोग्रामिंग देखनी है कि हमें क्या क्या करना पड़ेगा. उसके लिए हमें तीन हेडर फाइल चाहिए, studio.h, codio.h, process.h. studio.h stdio.h जो है आपकी वो इनपुट आउटपुट फंक्शन के लिए है. console.io.h conio.h जो है वो आपका clrscr के लिए है, और process.h जो है वो exit zero के लिए है. और जितने इनपुट आउटपुट फाइल से रिलेटेड फंक्शन है stdio.h में है. अब हम सबसे पहले मेन फंक्शन लेते हैं जिसमें फाइल को पॉइंटर डिफाइन कर देते हैं *fp1. फिर दो वेरिएबल लेते हैं num और c, और क्लियर स्क्रीन कर देते हैं डिफाइन के बाद. डिफाइन से पहले अगर आप क्लियर स्क्रीन करिएगा तो वो फिर डिफाइन नहीं करेगा. तो क्लियर स्क्रीन ऑलवेज यूज आफ्टर डिफाइनिंग ऑफ योर वेरिएबल. इफ fp1 इक्वल्स टू f ओपन नंबर डॉट डेट कॉमा r इक्वल्स टू null. अब वो चेक कर रहा है कि अगर फाइल में कुछ नहीं है रीड करने पे तो एरर दे दो, एरर ओपनिंग इनपुट फाइल, जो प्रिंट एफ करने से प्रिंट हो जाएगा. बैक स्लैश एन जो है वो एंटर के लिए, एग्जिट जीरो और बाहर निकल जाओ. अगर फाइल में कुछ है ही नहीं है तो हम किस लिए उसको पढ़ेंगे. फिर वाइल नॉट ईओएफ fp1, अगर फाइल में कुछ है, एंड ऑफ फाइल नहीं है, तो एफ स्कैन करेंगे. एफ स्कैन से क्या करेगा वो, एफ स्कैन fp1 %d ampersand num, वो नंबर को 1 by 1 रीड करेगा और प्रिंट करेगा. नंबर इज %d / n num. इफ num इक्वल्स टू 5, अब हमें चेक करना है कि नंबर 5 है कि नहीं. अगर नंबर 5 है तो C++ कर देंगे, काउंटर को 1 से इंक्रीज कर देंगे और प्रिंट एफ कर देंगे सी को कि कितनी बार हो चुका है. एफ क्लोज fp1, जब सारी फाइल वो पढ़ लेगा तो हम फाइल को क्लोज कर देंगे और प्रिंट कर देंगे नंबर ऑफ फाइव आर इक्वल्स टू सी. तो वो प्रिंट कर देगा कि कितने टोटल फाइव नंबर है. और उसके बाद रिटर्न जीरो हम लगाते हैं. मेन फंक्शन में हमेशा लास्ट में हमें लगाना पड़ता है, फिर मेन फंक्शन को हम क्लोज कर देंगे. अब इसको रन करके हम देखते हैं कि कैसे ये काम कर रहा है. तो उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग में जाना पड़ेगा. तो चलिए सी खोलते हैं. तो सी खोलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बंद कर देते हैं. सी को खोलिए. हमने प्रोग्राम वहाँ पे इसलिए दिखाया क्योंकि यहाँ पर आपका ये बॉक्स जो है, क्योंकि मेरे पास विजुअल स्टूडियो नहीं है तो ये बॉक्स जो है वो थोड़ा ही से दिखाएगा. यहाँ पे हमने जो फाइल बनाई है उसको लोड करेंगे. ओपन करा कौन सी, काउंट सी एच करेक्टर. अब यहाँ पर इसको रन करेंगे. ऑल्टर आर करके जब आप रन करिएगा तो आपका आउटपुट आएगा ऑल्टर एफ फाइव से. अब ये देखिए, पहले नंबर उसको 4 मिला, फिर 5 मिला तो काउंट किया 1, फिर नंबर 1 मिला तो काउंट नहीं किया, फिर नंबर 5 फिर मिला तो 2 काउंट कर लिया, फिर नंबर 3 मिला, फिर 5 मिला तो 3 काउंट कर लिया, फिर 5 मिला तो 4 काउंट कर लिया,
और जो नंबर 5 नहीं है उसको वो काउंट नहीं कर रहा है। तो इस तरह से आपके 5 बार 5 नंबर इसमें आए हैं जिसको इसने काउंट करके 5 दे दिया। सो दिस इज योर आउटपुट विच यू विल गेट आफ्टर रनिंग योर दिस प्रोग्राम विच आई टॉट यू। सो थैंक यू व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस प्रोग्रामिंग देन प्लीज if you like my solution, go to community, see more programming in C++ animation and many more languages. वहाँ पे आपको ढेर सारी playlist मिलेगी जिसमें आप Python, Java, Script, HTML और MS Office और apps के बारे में और बहुत सी चीज़ें आप learn कर सकते हैं। And if you like, then please comment and subscribe my channel, Ratan Agarwal, IT Informer. Go to the community and answer on poll and comment on my video. And ask the question, if any, in comment. Follow my all social media link. Join my Telegram channel, Tech Ratan. So you will get a more solution of this type of question. Thank you, viewers. This is all today. Please run and share and subscribe my video if you like.